प्रयाग में जनान धनम याचित्वा, लोगों से धन मांगकर मैकडॉनल हिंदू छात्रावास से निर्माणम असौ अकार्यत। मैकडॉनल हिंदू छात्रावास का निर्माण इन्होंने करवाया। प्रयाग में लोगों से धन मांग करके मैकडॉनल हिंदू छात्रावास का निर्माण इन्होंने करवाया। तस्य उद्योगेन प्रयागस्य प्रख्यातस्य मिंटो पार्क इति अस्यापि निर्माणं जातम्। तस्य उद्योगेन उनके ही उद्योग से, प्रयागस्य प्रख्यातस्य प्रयाग का प्रसिद्ध मिंटो पार्क इति अस्यापि निर्माणं जातम्। मिंटो पार्क ऐसा, इसका भी निर्माण हुआ। समग्रे च देशे शिक्षाया ह्रास दशाम अवलोक्य, और संपूर्ण देश में शिक्षा की गिरती हुई हालत को देखकर अशिक्षा एव अस्माकं पारतंत्रस्य हेतुः, अशिक्षा ही हमारी गुलामी का कारण है इति सामान्य, ऐसा वह मानते थे। और संपूर्ण देश में शिक्षा की गिरती हुई स्थिति को देखकर अशिक्षा ही हमारी गुलामी का कारण है, ऐसा वह मानते थे। अतो देशस्य उन्नत्यै, अतः देश की उन्नति के लिए क्रियमाणैः अन्यैः उद्योगैः सह किए गए दूसरे कार्य व्यापारों के साथ में शिक्षाया विकासायपि प्रयत्नो विधेय, शिक्षा के विकास के लिए भी प्रयास करना चाहिए इस तस्य दृढ़ मति आसीत, ऐसा उनका दृढ़ विचार था। अतः देश की उन्नति के लिए किए गए दूसरे कार्यों के साथ शिक्षा के विकास के लिए भी प्रयास करना चाहिए, ऐसा उनका दृढ़ विचार था। सत्तम चिंतयन सह काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संस्थापनाया संकल्पम हृदनिद्ध। सत्तम चिंतयन सह लगातार चिंतन करते हुए वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संस्थापनाया संकल्पम, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का निश्चय हृदनिद्ध मन में किए। षोडश उत्तर एकोनविंशत सत्तमें वर्षे 16 के पहले, एक नहीं 2000 अर्थात 1900 ईस्वी वर्ष में, तो 1916 ईस्वी वर्ष में बसंत पंचमी पर्व दिने, बसंत पंचमी के पर्व पर, काश्याम पुणिसल्लायाः गंगायाः तटे, काशी में पवित्र जल वाली गंगा के किनारे पर लोकोत्तरम इदम कार्यम संवृतम, संसार प्रसिद्ध यह कार्य किए। भिक्षावृत्त्या जनान, भिक्षावृत्त्या जनान भिक्षा के माध्यम से अर्थात लोगों से मांग करके श्रेष्ठिनो राज्यो महाराजान वैदेशिक शासनाम अपि धनम याचित्वा, धनिकों राजाओं महाराजाओं और विदेशी शासन से भी धन मांगकर विश्वविद्यालय संस्थापनम, विश्वविद्यालय की स्थापना, तस्य अपूर्व मनोबलस्य संकल्प दृढ़ताया च दोतकं वर्तते। उनके अपूर्व मनोबल और संकल्प की दृढ़ता को व्यक्त करता है।
पंच कोश परिमिते क्षेत्रे व्याप्ते पांच कोश के क्षेत्र में फैला हुआ विश्वविद्यालय परिसरे निर्मितान विश्वविद्यालय क्षेत्र में बने हुए विविध विद्या महाविद्यालय भवनानि दृष्ट्वा अनेक विद्या विविध विद्या अनेक विद्याओं के महाविद्यालय भवनान दृष्ट्वा महाविद्यालयों के घर को देखकर महाविद्यालय के भवनों को देखकर कस्य वा भारतीयस्य मनो नाह्लादते, कौन भारतीय का मन हार्दिक प्रसन्नता से युक्त नहीं होता, को वा वैदेशिको विस्मितो न जायते, अथवा कौन विदेशी आश्चर्यचकित नहीं हो जाता। इयत विस्तृत भूखंडे, इतने विस्तृत भूभाग में कश्चिदपि विश्वविद्यालयस्य जगति स्थिति न श्रूयते, किसी भी विश्वविद्यालय की स्थित संसार में नहीं सुनाई पड़ती, नहीं सुना जाता। इतने विस्तृत भूभाग में किसी भी विश्वविद्यालय की संसार में स्थिति नहीं सुनाई पड़ती। अस्मिन् विश्वविद्यालये अध्ययनरता छात्रा, इस विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी वैदेशिक भाषा विज्ञान कला कौशल प्रभृति विषयेषु, विदेशी भाषा विज्ञान कला कौशल में प्रवीण प्रभृति विषयेषु जाने जाते हुए विषयों में निष्णाता प्रवीण संता होकर भारतीयां संस्कृतिम धर्म दर्शनम इतिहासम च भारतीय संस्कृति धर्म दर्शन और इतिहास को न विस्मरेयु न भूल जाए इति तस्य प्रयासो अभूत, ऐसा उनका प्रयास रहा। तो इस विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी विदेशी भाषा विज्ञान कला कौशल जाने जाते हुए विषयों में प्रवीण होकर भारतीय संस्कृति धर्म दर्शन और इतिहास को न भूल जाएं, ऐसा उनका प्रयास रहा। अतो अध्यापन अवसरे, अतः पढ़ाने के अवसर पर भारतीय आचारान सह छात्रान शिक्षयत्, भारतीय आचारान भारतीय आचरण को सह छात्रान शिक्षयत्, वह छात्रों को शिक्षा देते थे। अतः अध्यापन के समय पर या पढ़ाने के समय पर भारतीय आचार विचार की वह छात्रों को शिक्षा देते थे। विभिन्न पर्व अवसरेश्च और विभिन्न पर्व के अवसरों पर भारतस्य प्राणभूत भागवत महापुराणस्य कथां, भारत के आधार स्वरूप महाभागवत की कथा को सुललित भाषया मधुरेण च स्वरेण, सुंदर भाषा और मधुर स्वर से छात्रान प्राध्यापकान च आशावयत्, छात्रों और प्राचार्यों को सुनाते थे। विविध विषय ज्ञान संपादन सममेव विभिन्न विषयों के ज्ञान के संपादन के साथ ही छात्रा विद्यार्थी लोग भारतीय आचार विचारेण च भारतीय आचरण और विचार से परिचित तिष्ठेयु परिचित रहें इति तस्य लक्ष्यम आसीत, इति ऐसा तस्य उनका लक्ष्यम आसीत उद्देश्य था। तो अनेक विषयों के ज्ञान के संपादन के साथ ही विद्यार्थी भारतीय आचरण और विचार से परिचित रहें, ऐसा उनका उद्देश्य था, लक्ष्य था।
भारतीय स्वातंत्रमपि वह भारत की स्वतंत्रता भी भारतीयताम अधिकृत्यो भारतीयता को रखते हुए ही भवे प्राप्त हुए इत कामयते यस्म, ऐसा चाहते थे। वह भारत की स्वतंत्रता भी भारतीयता को ध्यान में रखकर ही प्राप्त हो ऐसा चाहते थे। सह पूर्ण भारतीय आसीत, वह पूर्ण रूप से भारतीय थे। अगला पैराग्राफ बच्चों ध्यान से समझिए। विश्वविद्यालय से संस्थापनानंतरम एव, विश्वविद्यालय की स्थापना के उपरांत ही, विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय की संस्थापनाम अनंतरम एव, स्थापना के उपरांत ही सा कुलपत पदम अलंकृतवान, सा वह कुलपत पदम कुलपत पद को अलंकृतवान सुशोभित किए। विश्वविद्यालय की स्थापना के उपरांत ही वह कुलपत पद को सुशोभित किए। कुलपत पदम अलंकुरुवंशः, कुलपत पद को सुशोभित करते हुए वह छात्रान प्रिय पुत्रान यु अमन्यत, छात्रों को प्रिय पुत्र के समान मानते थे। कुलपत पद को सुशोभित करते हुए वह छात्रों को प्रिय पुत्रों के समान मानते थे। अर्थ संकटे देश संकटे वा ग्रस्ता कश्चित छात्रा इति ज्ञात्वा, आर्थिक कठिनाई अथवा शारीरिक परेशानी से ग्रस्त कोई विद्यार्थी ऐसा जान करके तस्य संकटम अचिरम अशौ पितृवत अपानियत, उसकी कठिनाई को शीघ्र ही वह पिता के समान दूर करते थे। कुलपति तु सा पदेन आसीत, कुलपत तो वह पद से थे। व्यवहारेण चा कुलपिता हुवन, और व्यवहार से कुलपिता हुए। तो आर्थिक कठिनाई अथवा शारीरिक परेशानी या शारीरिक कठिनाई से ग्रस्त कोई विद्यार्थी है ऐसा जान करके उसकी कठिनाई को शीघ्र ही यह पिता के समान दूर करते थे। कुलपति तो वह पद से थे और व्यवहार से कुलपिता हुए। नेक्स्ट पैराग्राफ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से विकास आए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विकास के लिए सत्तम प्रयत्नरतो अपि लगातार प्रयास करते हुए भी, लगातार प्रयास में लगे हुए भी मालवीय महोदय, मालवीय महोदय देशस्य असहाय जनानाम महान्तम क्लेशम दर्शम दर्शम, देश के असहाय लोगों की अत्यधिक कष्ट को देख देख कर परमा खिन्नो अभवत, अत्यधिक दुखी हुए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विकास के लिए लगातार प्रयास करते हुए भी मालवीय महोदय देश के असहाय लोगों के अत्यधिक कष्ट को देख देख कर अत्यधिक दुखी हुए। भारतस्य अखंडताया तस्य एकत्वस्य च निदर्शनम्, भारत की अखंडता और उसकी एकता को व्यक्त करते हुए विश्वविद्यालय रूपेण तेन पुरस्कृतम्, विश्वविद्यालय के रूप में उनके द्वारा सामने किया गया, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो भारत की अखंडता और उसकी एकता को व्यक्त करते हुए या प्रकट करते हुए वह विश्वविद्यालय के रूप में उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तन्निमित्तम तेन गुरु प्रयासो विहितः, तत्निमित्तम उसके लिए तेन उनके द्वारा
गुरु प्रयासाविता अत्यधिक प्रयास किया गया, तो उसके लिए उनके द्वारा अत्यधिक प्रयास किया गया। चत्वारिंशत उत्तर एकोनविंशत शतमे वर्षे चत्वारिंशत चतुश्चत्वारिंशत चौवालीस उत्तर पहले एकोनविंशत शतमे वर्षे एक नहीं 2100 ईस्वी वर्ष में अर्थात 1944 ईस्वी वर्ष में सांप्रदायिको झंझावाता समुद्रा सांप्रदायिक तूफान उत्पन्न हुआ। 1944 ईस्वी वर्ष में सांप्रदायिक तूफान उत्पन्न हुआ। देशस्य अनेकेषु भागेषु देशस्य देश के अनेकेषु भागेषु अनेक भागों में प्रज्वलिता सांप्रदायिकता अग्नि जलती हुई सांप्रदायिकता की अग्नि ने भारतस्य सांस्कृतिकं प्रासादम भारत के सांस्कृतिक प्रासाद को भस्मसात अक्रोध जलाकर राख कर दिया। देश के अनेक भागों में जलती हुई सांप्रदायिकता की अग्नि ने भारत के सांस्कृतिक प्रासाद को भारत के सांस्कृतिक महल को जलाकर राख कर दिया। भस्मसात अक्रोध जलाकर राख कर दिया। ब्रिटिश शासन प्रयुक्त कुटिल नयन उत्थितो झंझावातो ब्रिटिश शासन के द्वारा प्रयुक्त कुटिलतापूर्ण नीच से उठा हुआ तूफान मालवी महोदय से मनः स्थित भारतस्य चित्रम मालवी महोदय के मन में स्थित भारतीय चित्र को विकृतम अकरोत विकृत कर दिया। तो ब्रिटिश शासन के द्वारा प्रयोग किए गए कुटिलतापूर्ण नीति से उठा हुआ तूफान मालवी महोदय के मन में स्थित भारत के चित्र को विकृत कर दिया। कुटिल राजनीति मुग्धा धर्मम प्रभ्रांता नेतारो कुटिलतापूर्ण नीति के आकर्षण में धर्मम प्रति भ्रांता नेतारो धर्म के प्रति भ्रमित नेता लोग यथा तांडव रचयन जैसा तांडव रचे तत् स्मृत्वा अद्यापि उसे याद करके आज भी हृदयम प्रकामम प्रकंपते हृदय अत्यधिक कांप उठता है। कुटिलतापूर्ण राजनीति से आकर्षित धर्म के प्रति भ्रमित नेता लोग वैसा तांडव रचे कि उसको याद करके आज भी हृदय अत्यधिक कांप उठता है। सहस्रशा प्राणाः तदनलिहुताः हजारों प्राण उस अग्नि में आहुत हो गए। सहस्रों जनाः गृहीणा जाता हजारों लोग बेघर हो गए। लक्षाधिका शरणार्थिनो अभवन 100,000 से अधिक शरणार्थी हुए। मालवी महोदयस्य चित्तम अतर्क्यम तद्दुखम सोढुम ना शक्नो मालवी महोदय का हृदय उस तर्क रहित दुख को सहन नहीं कर सका। मालवी महोदय का मन मालवी महोदय का हृदय तर्क रहित उस दुख को सहन नहीं कर सका। विश्वविद्यालय स्थे कुलपत भवनेशा प्राणान त्यजत विश्वविद्यालय स्थे विश्वविद्यालय में स्थित कुलपति भवन में सह प्राणान त्यजत वह प्राण त्याग दिए। विश्वविद्यालय में स्थित कुलपति भवन में वह प्राण त्याग दिए। मालवीय महोदय से विपुलम यशा मालवीय महोदय का पर्याप्त यश विश्वविद्यालय रूपेण जगति शाश्वतम स्थापित विश्वविद्यालय के रूप में संसार में सदैव स्थापित रहेगा सदैव स्थित रहेगा। तो मालवीय महोदय का स्वच्छ यश विश्वविद्यालय के रूप में इस संसार में प्रत्यक्ष स्थित रहेगा। तो ये बच्चों
ये पाठ समाप्त होता है। इसमें से जो पहले पढ़ाए राज सेवा कर्माण निरतो अपि से लेकर स्थिति न छुए थे इस गद्यांश का, और अंतिम गद्यांश काशी हिंदू विश्वविद्यालय से लेकर शाश्वतम स्थाश्यत अंतिम शब्द तक, तो इस गद्यांश का तुम लोगों का को संदर्भ हिंदी अनुवाद करके ले आना है। तो इस प्रकार से ये जो है तुम लोगों को, इसके उपरांत इस पाठ का प्रश्नोत्तर तुम लोगों को पहले ही नोट्स के रूप में भेज चुके हैं। अगर कहीं किसी को नहीं प्राप्त हुआ है, नहीं याद है, तो उसे जो है पूछ लेंगे अथवा फिर से हम भेज देंगे, और प्रश्नोत्तर इसको याद करें। तुम लोगों की परीक्षा का समय कोई बहुत विशेष ज़्यादा नहीं है दूर, इसलिए तुम लोग अभी से ही प्रयास करो, याद करो, लिखकर अभ्यास करो, और जहाँ जो चीज़ नहीं आता है उसे क्लास में पूछो, उसे फिर से समझाया जाएगा, फिर से बताया जाएगा। मैं मुख्य मुख्य गद्यांशों का, मुख्य मुख्य पाठ के गद्यांशों का जो है संदर्भ हिंदी अनुवाद समझाता हूँ, उसे समझिए, यहाँ जो ना आए फिर से पूछिए, क्लास में पूछिए, और अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए, जिससे बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क प्राप्त करने में सफलता अर्जित करो। ठीक है, भवंतु शुभ मंगलम इति।